नमस्कार दोस्तों, कॉफ़ी विद किलकारी के इस सातवें अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो प्रशिक्षक जुड़े हैं किलकारी के, उनका नाम अमरेंद्र कुमार जी हैं। श्री अमरेंद्र कुमार जी यहाँ पे खेल सिखाते हैं, अलग अलग खेल के बारे में यहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स की जानकारी देते हैं। तो आज इस सातवें अंक की शुरुआत करते हुए हमारे सर से उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। आइए आरंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है और मैं कई वर्षों से खेल से जुड़ा हुआ हूं, एक खिलाड़ी के रूप में, एक कोच के रूप में। तो इससे ये पता चलता है कि मैं खुद एक अच्छा खिलाड़ी भी रह चुका हूँ और एक कोच भी हूँ। इस समय बचपन से साधारण, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो जीवन साधारण रहा, लेकिन अच्छा रहा। हम लोग थोड़े में ही लेकिन खुशीपूर्वक जीवन चलता रहा और आज भी सब कुछ ठीक ही है। तो ना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और न ही ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है, ये आप सबको पता है। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आई और हमने उसको पार किया। हर बाधा को पार करते हुए इंसान धीरे धीरे मुकाम की ओर बढ़ता है। समय है, बढ़ना ही है। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा रहा है, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक आपसे ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपकी जीवन की अभी तक की यात्रा कैसी रही। एक तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई, दूसरी जब हम लोग काम करते हैं, एक व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ते हैं, किसी रोजगार से जुड़ते हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा। एक शैक्षणिक अनुभव शुरुआत से अभी तक का, दूसरा कि आपका जो व्यावसायिक अनुभव है, किसी संस्थान के साथ जुड़े होंगे या फिर किलकारी के साथ आप जुड़े हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका। जैसा कि सर ने सवाल पूछा, तो एजुकेशन औसत स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, न बहुत ज़्यादा तेज और न ही बहुत ज़्यादा डल। तो मतलब उसी तरह से औसत मार्क्स हैं। खिलाड़ी के रूप में भी कुछ अच्छा अचीवमेंट रहा, स्टेट नेशनल क्वालिफाई भी किया मैंने, लेकिन कुछ अचीवमेंट नहीं है वहाँ, लेकिन क्वालिफाई किया था मैंने। उस तरह से एक खिलाड़ी के रूप में हमारी भूमिका रही, एक औसत स्टूडेंट के रूप में शैक्षिक जो हमारी योग्यता है वो, एक औसत स्टूडेंट के रूप में हमारी शैक्षिक जीवन रहा। एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मैं अभी फ़िलहाल किलकारी में काम कर रहा हूँ, किलकारी के साथ विगत 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और किलकारी का जो अनुभव है वो, मतलब ये कह सकते हैं कि बाकी सारे जगह पे आप काम कीजिए, किसी संस्थान में काम कीजिए, उससे बिल्कुल हट गया है। मतलब ये अलग दुनिया है, किलकारी अलग दुनिया है और यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट है। मतलब कहने का, बच्चों के बीच एक अलग माहौल है, एक अलग खुशहाल भरा मतलब माहौल बनता है बच्चों के बीच। और यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिले और आप काम करते हैं तो दिल से बहुत खुशी होती है। हम लोग कह सकते हैं कि पुअर फैमिली के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनको उस लायक बनाते हैं कि लाइफ में वो कुछ कर सके। ये अपना एक, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये दिली आत्मा से खुशी होती है हमारी। तो ये हमारा एक अचीवमेंट हो जाता है, बच्चों को हम जो जानते हैं, हमारे पास जो नॉलेज है, हम बच्चों को वो दे सके, ये हमारी खुशकिस्मती है। और किलकारी के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रह सके, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। धन्यवाद।